नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एमपी अब तक का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं बैतूल की खबर के साथ, जहां ताप्ती जन्मोत्सव से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के प्रवेश पर ही रोक लगा दी है। ताप्ती मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। और ये फैसला क्यों लिया गया है, क्योंकि मंदिर जर्जर हालत में है। किसी हादसे की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है, लेकिन जो भक्त हैं वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में तीखी बहस की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कल ताप्ती जन्मोत्सव पर मुलताई में एक बड़ा आयोजन होना है, लेकिन भक्तों के प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई है। मंदिर जर्जर हालत में है, ऐसे में यहाँ कोई हादसा ना हो जाए अगर अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठी होने पर। लेकिन ये फैसला रास नहीं आ रहा है ना श्रद्धालुओं को, ना ही वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को। प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ हैं जनप्रतिनिधि। तीखी बहस भी इसी के चलते हुई है। वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ा आयोजन होना है मुलताई में। मंदिर की जर्जर हालत जन्मोत्सव के मौके पर, कहीं जरूरत से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो जाए, ऐसे में कोई घटना ना हो जाए, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। ऋषु, फैसला तो बेहतरी के लिया गया है, लेकिन फैसला रास नहीं आ रहा है यहाँ। जी हाँ, देखिए यहाँ पर किसी भी तरह से श्रेय लूटने की होड़ नहीं होना चाहिए जनप्रतिनिधियों में, ये साफ स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि अधिकारी लोगों की बेहतरी के लिए बोल रहे हैं, कल लाखों लोग जो है मुलताई आएंगे, और ताप्ती मंदिर जो है वो आधा जो है ताप्ती सरोवर के अंदर डूबा हुआ है और आधा जमीन पर है। मंदिर की हालत काफी जर्जर है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पहले भी कई बार सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है, और अभी मंदिर की हालत काफी ज्यादा बुरी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि ज्यादा भीड़ मंदिर के अंदर जाती है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं और जो परिषद के लोग हैं, वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि लोगों को मंदिर के अंदर जाने देना चाहिए, जो एक रिस्क हो सकता है। और अधिकारियों ने भी जनप्रतिनिधियों को क्लियर कह दिया है कि यदि अगर कोई हादसा होता है, अगर जनप्रतिनिधि इसकी जिम्मेदारी लेने तैयार है, तो वो फिर जो है मंदिर के अंदर लोगों को जाने देंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या फैसला लेता है, क्योंकि ये जो मामला है ये पूरा लोगों के जो है जीवन से जुड़ा हुआ है, लाइफ रिस्क से जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ऋषु। एमपी सरकार ने नाइट कल्चर को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के बड़े शहरों में नाइट कल्चर लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन अब सरकार इंदौर में लागू इस कल्चर को बंद करने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के मुताबिक कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए रात में बाजार और दुकानें खोले जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कुछ सीमित स्थानों पर जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और उसके आसपास तक ही ये लागू किया जाएगा, और इसके संशोधित आदेश जारी किए जाएंगे। तो फैसला क्यों लिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय ने ये मुद्दा उठाया था। देर रात तक खुले रहते थे बार और पब, नाइट कल्चर से युवा बिगड़ रहे थे। कई तस्वीरें सामने आई थी जहां पर युवाओं के गुटों में झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रही थी। मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्देश, जो नाइट कल्चर है जिसके संबंध में यहाँ पर खासतौर पर BRTS के संबंध में जो एक आदेश निकला था, जिसमें रात भर दुकानें खुली रहने का आदेश था, उसके संबंध में उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको रिवाइज किए जाने की ज़रूरत है। और जहाँ पर आवश्यकता है, जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या अन्य कुछ इस प्रकार की अगर जगहें हैं, केवल वहीं तक उसको सीमित किया जाए, उसकी समीक्षा करी जाए, जिस संबंध में सभी से बातचीत करके एक संशोधित आदेश निकाला जाएगा। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ ही फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं, तस्वीरें वीडियोस वायरल हुए हैं कि किस तरह युवा लड़ रहे थे सड़क पर पब या बार के बाहर, उन तमाम घटनाओं को देखते हुए तो ये फैसला बेहतरी के लिए लिया गया है। जी बिल्कुल, और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब नाइट कल्चर शुरू हुआ था
उसके बाद ही सबसे पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही थी। उस वक्त वो राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने ये बात कही थी कि नाइट कल्चर पर प्रशासन को सोचना चाहिए, इसके लिए रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों के साथ में। कहीं ना कहीं नाइट कल्चर की वजह से इंदौर में देर रात अपराध हो रहे। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी कहा था कि नाइट कल्चर पर विचार जरूर करना चाहिए। मंत्री उषा ठाकुर थी, उषा ठाकुर ने कई बार इसकी मुख्यमंत्री तक शिकायत की थी कि नाइट कल्चर इंदौर के लिए ठीक नहीं है, इंदौर की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। अक्सर विवाद की स्थितियां सामने आती हैं, एक नहीं कई सारी ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे इंदौर को शर्मसार भी होना पड़ा। 20 सड़क कई सारे विवाद की तस्वीर सामने आई, कहीं ना कहीं से घटनाएं रुक नहीं रही थी, यानी थम नहीं रही थी, लगातार नाइट में विवाद हो रहे थे। इसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। और जैसे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज इंदौर पहुंचे, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री जी ने जब इस पूरे मामले को लेकर पूछा तो इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नाइट कल्चर को बंद कर देना चाहिए, इंदौर की संस्कृति के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस पर एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके लिए बकायदा एक आदेश निकाल दिया है कि अब जो बीआरटीएस के आसपास की दुकानें देर रात तक खुली रहती थी, अब तत्काल प्रभाव से उन आदेश को, पुराना जो आदेश दिया गया था उसे खारिज किया जाता है, यानी निरस्त। ठीक है मिथिलेश, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग ने सस्ती शराब खरीदकर उसे महंगे ब्रांड की बोतलों में भरकर फर्जी सील और स्टिकर लगाकर मोटी कमाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आबकारी विभाग की टीम ने कई महंगे ब्रांड की करीब 3 लाख रुपए की शराब जब्त की है। आरोपियों के साथ एक पुलिस वाला भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन और एक गाड़ी भी जब्त की गई है। कि प्रशांत नाम का मेरा एक मित्र है जो मुझे ये शराब ला करके देता है और मैं इसको इसका मैं विक्रय करता हूँ। फिर हमने एक टीम लगाई, टीम ने जब कल रात को घेराबंदी की तो हमने फिर उससे बोला कि आप हमें और शराब उपलब्ध कराइए, हमें ज्यादा क्वांटिटी में ये चाहिए। तो उसने टेलीफोनिक मोबाइल से बात करके प्रशांत से शराब बुलवाई। आईपीएमटी कार में 3 लोगों को हमने उस शराब के साथ जब्त किया। ये सारी बोतलें आपने अभी देखी और उसमें टेक्निकल आपने जो अंतर है वो भी आपने देखा। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से कहीं ना कहीं हाई रेंज की एंटी बॉटल्स में सस्ती शराब की रिफिलिंग करके बेचने का मामला है। बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां कृषि विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नकली खाद बनाने वाले गोदाम पर छापा मारा। यह अब तक की सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई है। एग्रो ग्रीन कृषि केंद्र वाला सिवनी के संचालक अजय कटरे के गोदाम पर छापा मारा गया, जहां से ब्रांडेड कंपनियों की लगभग 3,400 खाली बोरियां और अन्य कंपनियों की 1,500 भरी बोरियां बरामद की है। यहां पर असली कंपनी की खाद की बोरियों में नकली डीएपी भरकर बेची जा रही थी। गोदाम में इन बोरियों से सिंगल सुपर फास्फेट खाद को निकालकर नकली डीएपी खाद भरी जा रही थी। सामने आया था कि जो ब्रांडेड कंपनियों की जो बोरियां खाली प्रिंटेड बोरियों में सिंगल सुपर फास्फेट या कोई अन्य खाद, दानेदार खाद उसमें भर करके डीएपी या 20-20-0-13 के नाम से उनको विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसमें हमने एफआईआर करवाई है। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकादमी से 6 जून को लापता हुई लेडी बीएसएफ कांस्टेबल 36 दिन बाद बंगाल में मिले हैं। बीएसएफ की कांस्टेबल शाहना खातून और आकांक्षा निखर बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से मिले हैं। दोनों को बीएसएफ के कोलकाता हेडक्वार्टर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी मिलने के बाद ग्वालियर पुलिस ने भी कोलकाता पहुंचकर दोनों लेडी कांस्टेबल के बयान दर्ज किए हैं। बयानों में दोनों लेडी कांस्टेबल ने आपसी सहमति से साथ जाने की बात कही और दोनों के बीच गहरे संबंध होने की बात भी स्वीकारी है। और जो बीएसएफ की जो एक इंटेलिजेंस टीम थी उन्होंने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अभी इनको कलकत्ता में ट्रेस किया है और दोनों जो गुम बीएसएफ की जो ट्रेनी कांस्टेबल थी उनको अभी हमने बीएसएफ में हैंडओवर किया है और हमारी जो पुलिस की टीम है उन्होंने स्टेटमेंट भी नोट किए हैं। एमपी में अलग अलग तरह के माफिया सक्रिय हैं, उन्हीं में से एक है मुआवजा माफिया। ये सरकारी प्रोजेक्ट पास होने पर सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदते हैं और उस पर कमजोर मकान का निर्माण करवाते हैं।
प्रोजेक्ट के लिए जब जमीन का अधिग्रहण होता है तो इसके बदले में इन्हें मोटी रकम मिल जाती है। ये मामला सिंगरौली से जुड़ा हुआ है, जहां सिंगरौली से प्रयागराज नेशनल हाईवे 135C का निर्माण होना है। जैसे ही इसके लिए अधिसूचना जारी हुई, माफिया सक्रिय हो गए और किसानों से जमीन की खरीद बिक्री करने लगे। इसके बाद मुआवजा माफियाओं ने उस रूट पर 2500 से ज्यादा मकान बनवा दिए। अधिकतर घर अधूरे बने हैं। ये मकान उस जगह बने हैं जहां से हाईवे को गुजरना है। इस खुलासे के बाद अब प्रशासन भी कार्रवाई में है। जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा, साथ ही उनके फोटो जियोटेक के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। प्राथमिक आकलन के अनुसार लगभग 500 मकान पुराने पाए गए हैं, साथ ही लगभग 2500 मकान नए निर्माण या जो आंशिक रूप से बने हुए पाए गए हैं। सिंगरौली में मुआवजे के लिए अस्थाई आवास बनाने के मामले पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान आया है। कहा है कि मामला संज्ञान में है, निश्चित तौर पर सरकार इसको सख्ती से देखेगी। मुआवजा तो छोड़िए, अगर इस तरह का काम किया है तो उन्हें सजा भी मिलेगी। कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। मुआवजा तो मिलेगा नहीं बल्कि कटघरे में आएंगे। आप जैसे जागरूक पत्रकार यहाँ पर उपस्थित होंगे और जब इस तरह की बातें उठाएंगे तो कौन बचेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के ऐलान का स्वागत किया है। सीएम ने एक्स पर लिखा, भारत सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय करोड़ों भारतीयों की आवाज को मुखर करते हुए उनके संघर्ष को नमन करने का ऐतिहासिक प्रयास है। इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूं। ये पोस्ट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर, सीएम डॉक्टर यादव ने की है। करोड़ों भारतीयों की आवाज को मुखर करते हुए उनके संघर्ष को नमन करने का ऐतिहासिक प्रयास है, ये लिखा है। सड़क को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह आमने सामने हैं। भोपाल की बैरसिया की एक सड़क का वीडियो कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में एक सप्ताह पहले बनी सड़क के उधड़ने और करप्शन के आरोप लगाए थे, जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि महज एक छोटी सी जगह का वीडियो देखकर कुछ भी कहना संभव नहीं, फिर भी अधिकारियों को सड़क की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने वायरल किया था, उसमें कोई अरुण यादव नाम के व्यक्ति उन्होंने किया था कि कोई सड़क के बारे में जानकारी दी है, लेकिन केवल वीडियो देखकर तो पुष्टि नहीं होती। इसलिए कल ही अधिकारियों से मैंने कहा कि वो मौके पर जाएं, आज जांच दल मौके पर पहुंचेगा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। झाबुआ में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री भूरिया ने लाडली बहना योजना की राशि 3000 करने के सवाल पर कहा कि पॉलिसी मैटर है, फिलहाल 1250 बहनों के खाते में जमा हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार 5 साल के लिए है, अभी कुछ कहना मुश्किल है कि 3000 कब जमा होंगे। इसका क्या हुआ कि 3000 देने वाले थे, लेकिन अभी जो स्थिति है कि हम 1250 रुपये हमारी सभी बहनों को हम लोग दे रहे हैं और ये ऐसा विषय है कि पॉलिसी मैटर है एक, और आने वाले समय में इससे आगे क्या कर सकते हैं, हम इस योजना में और क्या कर सकते हैं। एक ये तो ठीक है कि हम लोग 1250 रुपये उनके खाते में डालते हैं, लेकिन एक चीज
भोपाल में पूर्व बीजेपी सांसद रघुनंदन शर्मा ने प्रशासन में व्याप्त करप्शन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे खत्म करने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सलाह भी दी है। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सीएम से निवेदन किया कि प्रशासन में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर भर रहे हैं और ऐसे अशुद्ध तत्वों को बाहर करने की आवश्यकता है। उनकी माने तो ऐसे तत्वों के चलते विकास में अड़चन आती है, लोग परेशान होते हैं। प्रार्थना अपने हृदय के विचार उनको व्यक्त किए कि काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं, ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। जयवर्धन सिंह ने बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा के प्रशासन में व्याप्त करप्शन को खत्म करने के बयान पर कहा कि यह केवल अकेले रघुनंदन शर्मा की पीड़ा नहीं है, बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है क्योंकि अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। उन्हीं की पीड़ा नहीं है, ये भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की पीड़ा भी है, क्योंकि भाजपा के अब ये चौथी टर्म लगभग आ गई है। सीएम साहब को तो पहली बार मौका मिला है सीएम के रूप में, लेकिन आज भी एक प्रकार से जो अहंकार प्रशासन में आ गया है एक विधायक। अगली खबर इंदौर से है, जहां कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस नेताओं को न्योता देने के लिए पहुंचे थे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए न्योता देने कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे मौजूद थे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा सहित कई नेता यहां पर कांग्रेस के मौजूद रहे और इस मौके पर हल्की फुल्की बातचीत भी दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच में देखने को मिली। ऐसा है कि डेमोक्रेसी के अंदर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं, पर हमारे व्यक्तिगत संबंध हमेशा बहुत अच्छे होना चाहिए। मेरे जितने भी दल हैं देश के अंदर, सबसे मेरे अच्छे संबंध रहे सिर्फ ममता जी को छोड़। रील्स बनाने के शौकीन अब सरकारी संस्थानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मामला ग्वालियर से आया है, जहां एक महिला ने कलेक्ट्रेट पर रील बनाई। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने कलेक्टर से शिकायत भी की है। सामाजिक कार्यकर्ता आकाश बरुआ ने शिकायत करते हुए बताया कि ग्वालियर कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर एक महिला नाचते हुए रील बना रही है। रील्स में ग्वालियर की नेगेटिव ब्रांडिंग हो रही है। कहा कि आपत्तिजनक रील से शहर की छवि नकारात्मक होती है, लिहाजा इस मामले में कलेक्ट्रेट में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।